नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये कोरोना काल है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत करें। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, वशीकरण का, ये बहुत जबरदस्त उपाय है और ये इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। आप जहां भी खड़े होंगे, लोग आपको अलग से इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। आप खुद इस चीज को नोटिस करेंगे कि पहले से ज्यादा आपके अंदर अट्रैक्टिव पावर आ गया है। आप खुद देखना दोस्तों, कितनी बार कई जगह पर कई लोग बहुत सिंपल दिखाई देंगे आपको, काफी लेडीज, काफी जेंट्स, वो लोग बहुत ना मेकअप करके आए होते हैं, ना उन्होंने कुछ ज्यादा ये दिखावा किया होता है, इसके बावजूद भी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे होते हैं, जैसे कोई ना कोई चीज उनको खींच रही है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर व्यक्ति यही करके आया होता है, लेकिन काफी लोग, क्योंकि दोस्तों हमारे पास हजारों कॉल्स आते हैं, हमें पता होता है कि ज्यादातर लोग जो वशीकरण चाहते हैं वे इन चीजों का बहुत यूज करते हैं। और इसीलिए कितनी जगह पर तो आप देखें कि वशीकरण के जो उपाय हैं उनको करने के बाद काफी ऐसे लोग जिनके अंदर क्वालिटी न होने के बावजूद अमुक जगह पर बहुत आसानी से जाकर के बैठ गए हैं और उस जगह को हैंडल कर लिया है और वहां से उनकी अर्निंग भी हो रही है। और काफी ऐसे लोग जिनके रिलेशंस खराब हो गए, लेकिन इन्हीं उपायों को करने के बाद उनके रिलेशनों में बहुत बढ़िया परिवर्तन आया, रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, मीठे हो गए। काफी फैमिलीज जिनके अंदर अंदर काफी कलह थी, एक दूसरे के ऊपर काफी क्रोध में रहते थे, लेकिन काफी ऐसे जो वशीकरण के उपाय हैं जिनको करने के बाद उनकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। ये उपाय दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, यदि आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका ध्येय अच्छा है, आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो ये उपाय बहुत अच्छा काम करते हैं। आज आपको ऐसा ही उपाय बता रही हूँ, बहुत साधारण है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन उपाय बताऊं उसके पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य ही करें, ठीक है? और सावधान रहे दोस्तों, काफी फ्रॉड लोग चैनल में घुस चुके हैं, काफी लोग मेरे नाम की आईडी बना करके बिजनेस अकाउंट खोल करके बैठे हैं, मेरा ही फोटो लगा हुआ है लेकिन नंबर उन्हीं लोगों के पड़े हुए हैं, मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आ रही हूँ। ये जो फ्रॉड लोग हैं, इन्होंने काफी जगह पर नकली वीणा भदौरिया बना करके बिठा रखी है जो आपसे बात कर रही है, तो सावधान रहे। काफी लोग लूट चुके हैं, काफी पैसा इन लोगों को दे चुके हैं, अगर इनके पास पैसे जाएंगे नहीं तो ये अपने आप ये सब कुछ बंद कर देंगे जो ये कर रहे हैं। काफी समय हो गया इन लोगों को लूटते हुए, इनके काफी अर्निंग हो रही है ये सब कुछ करने में और आप लोग लूटे जा रहे हैं। आपको यही लगता है कि आपकी बात मुझसे हो रही है, मुझसे नहीं हो रही, उस फ्रॉड लेडीज से हो रही है जो वीणा भदौरिया बनकर के आप सबसे बात कर रही है। तो आप सावधान रहे और किसी को भी आप पैसा ना दे, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा मांगा ही नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पैसे मांगता है कि हमें ये पूजा करवानी है, ये हवन करवाना है, आप तुरंत पहचान जाइए कि ये फ्रॉड है और आप अपनी सुरक्षा खुद करें। सावधान रहे इन तमाम लोगों से, ठीक है? तो चलिए हम आ जाते हैं आज के अपने पॉइंट पर। दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि राहु काल ना हो और कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है? आपको लाना है बरगद की जड़। बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है, बरगद के पेड़ में दोस्तों ढेरों देवी देवताओं का वास होता है और स्पेशली शंकर पार्वती, इनकी तो इसमें जबरदस्त शक्ति होती है। जो भी महिला, जो भी स्त्री हमेशा बरगद की पूजा करती है उसके लाइफ में वैधव्य नहीं आता है,
अकाल समय में कभी भी उनके घर में किसी की मौत नहीं होती है, उनके घर की वंश वृद्धि होती है। जहाँ पर भी बरगद की पूजा होती है उस घर में काफी बड़ा परिवार होता है, बहुत समृद्ध होता है, एक दूसरे के बीच में प्रेम होता है, सभी लोग सुखी रहते हैं। बरगद का पेड़ दोस्तों हजारों जीवों का आश्रय स्थान होता है। इसी तरीके से बरगद के पेड़ की जो भी पूजा करते हैं उनकी जिंदगी भी सम्मान से भरपूर होती है, जीवन में शांति होती है, सुख और समृद्धि उन्हें मिलती है। ठीक है, बरगद की जड़ के ऊपर से मैंने पहले भी काफी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज फिर आपको एक बढ़िया उपाय बता रही हूँ कि आपको राहु काल ना हो बस इतना देखना है, और कोई भी दिन आप इस उपाय को करें। बरगद की जड़ आप छोटा सा टुकड़ा काट करके ले आए, ला करके आप उसे धो करके स्वच्छ कर ले। करने के बाद आप उसको पानी में बराबर घिस ले, पानी में घिस करके आप उसका पेस्ट बना ले, और थोड़ी सी पूजा की भभूत, जो आप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं उसकी आपको भभूत ले लेनी है और इस पेस्ट में मिला लेनी है। और इस पेस्ट को दोस्तों आपको इस पेस्ट से या आप चाहे तो तिलक कर सकते हैं या अपनी बॉडी में कहीं पर भी आप इसे अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने के बाद आप जहां पर भी जाएंगे आप देखेंगे हर व्यक्ति आपके पीछे घूमेगा, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे, जिसके द्वारा आपका काम बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं, रिमाइंड करवा दूं, कभी भी इन चीजों का गलत उपयोग ना करें। हमेशा किसी भी चीज का यदि आप सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, आपका उद्देश्य सही होगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, सुखी रहेंगे तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।